हाय दोस्तों, आज में हम बनाने वाले हैं चिकन कड़ी। ये देखिए, कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। इसमें डालेंगे जीरा और कुछ गरम मसाले। ये हमारी मिर्ची और तेज पत्ता डाल के हल्का फ्राई करके, और इसमें डालेंगे ढेर सारा प्याज और हम इसे कर लेंगे थोड़ा फ्राई जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे हम ऐसे चलाते रहेंगे। फिर डालेंगे इसमें नमक ताकि सारे प्याज जो है वो अच्छे से भुजा जाए। देखिए, प्याज फ्राई हो चुका है। इसे हम थोड़ा और फ्राई करेंगे जिससे कि हमारा करी, जो हमारा ग्रेवी बनेगा, वो अच्छे से बने। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसमें डालेंगे चिकन सारा और फिर इसे हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़े देर के लिए इसे हम ढक देंगे। चलिए, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी, मिर्चा पाउडर, जीरा और काली मिर्च की पेस्ट, लहसुन पेस्ट, और ये हमारा काश्मीरी मिर्च, और थोड़ा सा पानी। इसमें हम नमक पहले ही ऐड कर चुके हैं, इसलिए हमें ध्यान रहे। और हम इसे करेंगे मिक्स। फिर इसे थोड़ी देर के लिए हम ढक के छोड़ देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा मिक्स हो चुका है मसाला। अब हम थोड़े देर के लिए इसमें भूजेंगे। ऐसे ही भूजते रहेंगे हम मसाले को। कितना अच्छा हो चुका है दोस्तों। हम ऐसे ही इसे भूजते रहेंगे जब तक कि हमारा सूख ना जाए पानी, और फिर हमारा चिकन रेडी हो जाएगा। देखिए इसमें अभी पानी है। हमें जितना हमको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसको भूजेंगे। हमारे घर में सभी लोग कम ग्रेवी खाते हैं, मतलब थोड़े मोटे वाले ग्रेवी, सो हम इसको थोड़ा गाढ़ा ही रखेंगे। मेरा चिकन भी सीज गया है दोस्तों। देखिए हमारा चिकन रेडी है।